मैरिज इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इफ फाउंडेड ऑन ट्रस्ट, अर्थात यदि विश्वास पर आधारित हो तो मैरिज सबसे बड़ी, शादी सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं एस के मिश्रा शार्क करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैंने ये आज जो वीडियो बनाई है ये बता दूं किस बारे में बनाई है, शादी के बारे में बनाई है। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है किसी के लिए भी, शादी का दिन सबसे बड़ा प्रसन्नता का दिन भी होता है माँ बाप के लिए भी और सभी रिश्तेदारों के लिए भी, क्योंकि दावत भी खाने को मिलती है। देखें, शुरुआत करता हूं मैं, कहां से शुरुआत होती है, मैंने इसका एक निश्चित क्रम रखा है, आपको भी पसंद आएगा। कुंडली मिलाई गई, कुंडली की अंग्रेजी होती है हॉरोस्कोप, द हॉरोस्कोप वाज कलेक्टेड, कुंडली मिलाई गई, कलेक्टेड, कलेक्ट माने मिलाना, द हॉरोस्कोप वाज कलेक्टेड अर्थात कुंडली मिलाई गई। सबसे पहले शादी में और कुछ नहीं तो हिंदुओं में विशेष रूप से कुंडली मिलाई जाती है। यह अच्छा शकुन है, कुंडली मिल गई, यह अच्छा शकुन है। शकुन की अंग्रेजी होती है ओमेन, ओ एम ई एन, ओमेन, इट इज ए गुड ओमेन, ये अच्छा शकुन है। आगे चलते हैं, शुभ, ऑस्पिशियस अंग्रेजी होती है ऑस्पिशियस, शुभ, शुभ अवसर, ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभारंभ, ऑस्पिशियस बिगिनिंग, शुभ घड़ी, ऑस्पिशियस आवर, शुभ कामनाएं, बेस्ट विशेज, शुभ लक्षण, ऑस्पिशियस सिम्टम्स। एस वाई एम पी टी ओ एम एस सिम्टम्स, शुभ विवाह, हैप्पी मैरिज, दे आर लुकिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डे टू एंटर देयर न्यू हाउस, वे अपने नए घर में प्रवेश करने का शुभ दिन ढूंढ रहे हैं अर्थात इंतजार कर रहे हैं। यहां पर दे आर लुकिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डे टू एंटर देयर न्यू हाउस, अब नया घर तो बनना ही है तो इसलिए मैंने ये सेंटेंस भी दिया है। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक की अंग्रेजी होती है वेल विशर, आप जैसे शुभ चिंतकों की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, आप जैसे शुभ चिंतकों की वजह से कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ वेल विशर्स लाइक यू, आप जैसे शुभ चिंतकों की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है, ये हम ज्यादातर बोलते ही हैं। सगाई की अंग्रेजी देखें क्या होगी, एंगेजमेंट, सगाई की अंग्रेजी, राजा ने अपनी भांजी की सगाई उस राजकुमार से कर दी, राजा ने अपनी बेटी की सगाई उस राजकुमार से कर दी, द किंग एंगेज्ड हिज डॉटर टू दैट प्रिंस, राजा ने अपनी बेटी की सगाई उस राजकुमार से कर दी। अगला सेंटेंस देखें, उसकी बहन की सगाई मेरे भाई से हुई, हिज सिस्टर हैज बीन एंगेज्ड टू माय ब्रदर, हिज सिस्टर हैज बीन एंगेज्ड टू माय ब्रदर, ये एंगेज की सेकंड फॉर्म है एंगेज्ड, उसकी बहन की सगाई मेरे भाई से हुई, ये इसकी अंग्रेजी थी। तिलक लगाना, टू अप्लाई एन ऑस्पिशियस मार्क ऑन फोरहेड, तिलक लगाना, इसकी अंग्रेजी अभी तक शायद पहली बार आप सुनेंगे कि तिलक लगाने की अंग्रेजी क्या हुई, मैंने पहली बार दी है ये, टू अप्लाई एन ऑस्पिशियस मार्क ऑन फोरहेड, फोरहेड माने होता है माथा, माथे पर तिलक लगाना, अर्थात टू अप्लाई माने लगाना, टू अप्लाई एन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस माने शुभ, टू अप्लाई एन ऑस्पिशियस मार्क ऑन फोरहेड, तिलक लगाना किसी के माथे पर। अब देखें, द ब्राइड्स फादर, लड़की के पिता ने, ब्राइड किसकी अंग्रेजी होती है ये पहले बता दूं,
दुल्हन की अंग्रेजी होती है ब्राइड, बी आर आई डी ई, और दूल्हे की अंग्रेजी होती है ब्राइड ग्रूम। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें लिखी भी है ये अंग्रेजी। द ब्राइड्स फादर, दुल्हन के पिता ने अप्लाइड एन ऑस्पिशियस मार्क ऑन द फोरहेड ऑफ ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के माथे पर शुभ तिलक किया। द ब्राइड्स फादर, दुल्हन के पिता ने अप्लाइड ऑन ऑस्पिशियस मार्क, तिलक लगाया ऑन द फोरहेड ऑफ ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के माथे पर। शादी की रस्म अदा करना, टू परफॉर्म ए मैरिज सेरेमनी, टू परफॉर्म ए मैरिज सेरेमनी, परफॉर्म माने पूरा करना, टू परफॉर्म या करना इसका अर्थ है, टू परफॉर्म ए मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी करना, शादी की रस्म अदा करना। रस्म रिवाज की अंग्रेजी क्या है, कस्टम एंड यूसेज, कस्टम एंड यूसेज। शहनाई की अंग्रेजी क्या है, शहनाई बजती है शादियों में, मैंने उसकी अंग्रेजी भी दी है, शायद ही सुनी हो आपने, क्लैरिनेट, शहनाई, क्लैरिनेट, सी एल ए। शहनाई की अंग्रेजी होती है क्लैरिनेट, सी एल ए आर आई एन ई टी, सी एल ए आर आई एन ई टी, क्लैरिनेट, शहनाई, शहनाई बज रही है, ए क्लैरिनेट इज बीइंग प्लेड, शहनाई बज रही है, इसमें ओ नहीं लगेगा, ए क्लैरिनेट इज बीइंग प्लेड, शहनाई बज रही है, शादियों में शहनाई बजती ही है। बजाने की अंग्रेजी किसी भी वाद्य यंत्र को प्ले होती है, टू प्ले। तो आगे चलते हैं, शामियाना, आपने देखा होगा शहनाई तो बजती ही है, शामियाना भी लगाया जाता है शादी के लिए, शामियाने की अंग्रेजी होती है कैनोपी, सी ए एन ओ पी वाई, कैनोपी, शामियाना लगाया गया, शामियाना खड़ा करा गया, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ए कैनोपी वाज पुट अप या इरेक्टेड, ए कैनोपी वाज पुट अप या इरेक्टेड, पुट अप की जगह इरेक्टेड आ सकता है। बारात, बारात, ब्राइड ग्रूम्स पार्टी, बारात की अंग्रेजी होती है ब्राइड ग्रूम्स पार्टी, बारात चढ़ने वाली है, चढ़त होती है बारात की, उसकी अंग्रेजी देखें, द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी इज गोइंग टू स्टार्ट, द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी इज गोइंग टू स्टार्ट, अर्थात बारात चढ़ने वाली है। अब देखें, द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी विल स्टार्ट एट 8 o'clock, 8 बजे बारात चढ़नी शुरू होगी, द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी विल स्टार्ट एट 8 o'clock एट नाइट, रात को 8 बजे बारात चढ़नी शुरू होगी। ये पीपल आर डांसिंग एंड मैरिंग, लोग खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं। अब देखें, बारात होटल में ठहरेगी, द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी विल स्टे इन ए होटल, ब्राइड ग्रूम्स पार्टी, बारात की अंग्रेजी है ये, द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी विल स्टे इन ए होटल, ये एक होटल में ठहरेगी, बारात कहां ठहरेगी, होटल में। बराती की अंग्रेजी क्या होगी, मेंबर्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी, मेंबर्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी, बाराती दूल्हे के घर जमा हुए, बाराती दूल्हे के घर जमा हुए, पार्टी द मेंबर्स ऑफ ब्राइड ग्रूम्स पार्टी गैदर्ड एट द हाउस ऑफ ब्राइड ग्रूम, बाराती लोग जो थे वो लड़के के घर में, दूल्हे के घर में जमा होते ही हैं और हुए, एंड केम टू द हाउस ऑफ द ब्राइड, और लड़की यानी दुल्हन के घर में आ गए। अगला देखें, दावत की अंग्रेजी, ये मेन चीज है, दावत, सब लोग दावत का ही इंतजार करते हैं, दावत के इंतजार में रहते हैं,
सारे बराती, दावत, फीस्ट, हम उसकी शादी की दावत में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हिज मैरिज पार्टी, वी आर गोइंग टू हिज मैरिज फीस्ट। इस तरीके से कुछ ही बोलते हैं, दावत, फीस्ट। दावत पर बुलाना, टू इनवाइट ए टू ए मैरिज फीस्ट या पार्टी, टू इनवाइट टू ए मैरिज पार्टी या फीस्ट। दावत करना, टू गिव ए मैरिज फीस्ट, दावत करने की अंग्रेजी है टू गिव ए मैरिज फीस्ट। शादी की अंग्रेजी क्या होगी? मैंने पहले भी बताया शादी की दो अंग्रेजी होती हैं, मैरिज, वेडिंग। शादी खूब धूमधाम से गाजे बाजे से हुई, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? द मैरिज वाज परफॉर्म्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। फिर से देखें, शादी खूब बैंड बाजे बारात के साथ धूमधाम से हुई, द मैरिज वाज परफॉर्म्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। जयमाला की अंग्रेजी क्या होगी? जयमाला की अंग्रेजी होगी वेडिंग गार्लैंड, जयमाला यानी वरमाला। द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम पुट द वेडिंग गार्लैंड राउंड द नेक ऑफ ईच अदर। दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड माने दुल्हन, ब्राइड ग्रूम माने दूल्हा, पुट द वेडिंग गार्लैंड शादी की यानी वरमाला जयमाला राउंड द नेक ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। इस तरीके से शादी संपन्न हुई। उसके बाद फेरे पढ़ना, तो फेरे पढ़ने की अंग्रेजी देखिए, द रिक्विजिट नंबर ऑफ फेरे पड़ गए, फेरे की अंग्रेजी होती है राउंड्स, फेरे। द रिक्विजिट नंबर ऑफ राउंड्स यूजुअली 7, 7 फेरे ज्यादातर लिए जाते हैं, 7 फेरे शादी में लिए ही जाते हैं फेरे। द रिक्विजिट माने आवश्यक, रिक्विजिट नंबर ऑफ राउंड्स यूजुअली 7, ज्यादातर जो आमतौर पर 7 फेरे लिए जाते हैं, हैव बीन टेकन अबाउट द सैक्रेड फायर। सैक्रेड फायर माने हवन कुंड, अग्नि के 7 फेरे लेना। सैक्रेड माने पवित्र, फायर माने अग्नि, पवित्र अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए गए। इसकी अंग्रेजी मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, जो आवश्यक हैं, द रिक्विजिट आवश्यक नंबर ऑफ राउंड्स फेरे हैव बीन टेकन ले लिए गए हैं अबाउट द सैक्रेड फायर हवन कुंड के यानी अग्नि कुंड के चारों तरफ, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे ले लिए गए हैं। शादी संपन्न हो चुकी है। अब इसकी दो अंग्रेजी देखें, शादी मुबारक, शादी मुबारक की दो अंग्रेजी देखें, विश यू ए हैप्पी मैरिज या विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुबारक हो ऑन मैरिज, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी लगी ये मेरी वीडियो शादी की, जो मैंने ये कोशिश की है कि एक निश्चित क्रम इसका रखा जाए। मुझे नहीं पता कि इसमें जो भी मैंने कहा है वो एक निश्चित क्रम में आया है या नहीं आया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, तो मैंने यही कोशिश की है कि शादी का एक निश्चित क्रम आए। कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। God bless you. Thank you very much.